मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के लालगंज हाजीपुर मुख्य मार्ग पर रेपुरा में काली मंदिर के पास एक 33 वर्षीय युवक फंदे से झूलता पाया गया। परिजनों ने फंदे खोलकर युवक को उतारा और पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की तहकीकात और मामला प्रेम प्रसंग में ब्लैकमेलिंग का निकला। वहीं इस मामले में बताया गया कि हाजीपुर सदर थाने से भी किसी केस में फंसाने की मिलती थी धमकियां। लड़के का नाम राजीव कुमार, पिता महेंद्र भगत, रेपुरा निवासी बताया गया है। लड़की का नाम विनीता कुमारी, पिता राजेश्वर भगत, हरिपुर सदर थाना क्षेत्र हाजीपुर की बताई जा रही है। राजीव शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता भी है, जो बाहर कहीं बिजनेस करता था। पिछले कुछ सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जिससे डिप्रेशन में आत्महत्या करने की बात बताई जा रही है। वहीं लालगंज पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर भेज दिया है। देखिए क्या बताया जा रहा है घटना के बारे में। कल तो आए थे, कोई जी अपने के नाम महेंद्र भगत। अच्छा, ये घटना कैसे भले कुछ साल है? घटना हुआ कि ऊपर से कोई लड़की वाला दबाव दे रहा है इसको शादी करने के लिए। अच्छा, ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ, ये चलते जो है ना ऐसे आज कर लिया है। हम लोग तो दूर पर बैठे हुए थे, अब वो अंदर में था, रूम में बंद कर दिया। यहाँ तो रूम बंद था जी, यहाँ पे तो रूम बंद था। हाँ, वहाँ का रूम बंद था। रूम में तोड़ के अंदर गए तो क्या देखे थे? देखे लटका हुआ था। ये मरला थे ना, उनका की नाम है? राजीव। राजीव कुमार। कई गो बेटा अपने? दो बेटी भर है। अपने के कई गो है? दो बेटा। ये छोट वाला लग रहा है? हाँ, बाल बच्चा भी है उनका, राजीव का। हाँ, दो बच्ची है। पत्नी? पत्नी भी है। कहाँ कर रहे थे वो? कोई जॉब वॉब करते थे? बिजनेस करते थे बाहर में। पुलिस अभी आई थी यहाँ? हाँ आई। क्या कुछ कार्रवाई के लिए कुछ बोल गई है? हमसे नहीं बात हुआ, उनको अब लड़का से जो भी बात हुआ करवाई।